हेलो, माय नेम इज सुलभ शर्मा और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। इस एग्जाम में क्या आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हमें एक्सपेक्टेड हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 174 पोस्ट जो हैं दैट आर एक्सपेक्टेड, जो आपके एग्जाम में जो बोला जा रहा है, जो पोस्ट हमारे पास आएंगी। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसके बारे में ध्यान से आप, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, 174 पोस्ट जो है दैट आर एक्सपेक्टेड। सेकेंड इज योर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में पहले हमारे पास क्राइटेरिया होता है एज का, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एज के बारे में जब हम बात करते हैं तो द एज इज मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 26 ईयर्स। 21 से 26 साल तक का आपका जो एज का क्राइटेरिया है उसे आप ध्यान में रखेंगे। और जब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो एनी ग्रेजुएशन, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन, और अगर हम कोट करें, अगर उनके अकॉर्डिंगली हम बोले तो ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री या कोई भी उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हमें रिक्वायर्ड होगा। तो एज इज फ्रॉम 21 to 26 एंड ग्रेजुएशन इज एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज योर स्टेजेस ऑफ एग्जाम। आपके पास एग्जाम के क्या क्या स्टेजेस रहते हैं? तो आपका जो एग्जाम है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में हम इस एग्जाम को जो है आपसे लिया जाएगा, जो आपसे एग्जाम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 1 इज योर प्रिलिम्स, योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। स्टेज 2 विल बी योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट उसमें आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सेकंड स्टेज आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में रहेगा प्लस योर एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी जिसमें रनिंग, जंप और ये सारी चीजें आपके पास इंक्लूड होती हैं, प्लस हाइट कितनी है आपकी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो दिस विल बी योर फिजिकल एफिशिएंसी। थर्ड विल बी योर मेंस एग्जामिनेशन। अगेन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। आपके पास जो थर्ड स्टेज है दैट विल बी योर मेंस एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। एंड फाइनल इज योर डॉक्यूमेंटेशन। जो फोर्थ स्टेज होती है दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेज 1 आपके पास इज योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। स्टेज 2 जो रहेगी दैट विल बी योर फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। थर्ड स्टेज विल बी योर मेंस एग्जामिनेशन दैट विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर एंड फोर्थ स्टेज इज योर डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स हैं, किन 4 स्टेजेस में आपके पास एग्जाम्स आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या चीजों के बारे में आपसे आपका क्या बॉडी में क्या क्या चीजें जो है उनको देखा जाएगा। देन फर्स्ट इज योर फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके पास अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपके फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज फॉर द जनरल कैटेगरी, तो उसमें रिक्वायरमेंट आपकी हाइट की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, दैट इज फॉर मेल्स इट इज 5 feet 6 inches एंड फॉर फीमेल्स इट इज 5 feet 2 inches। ये आपने दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट इज योर ओबीसी, जिसमें आपकी हाइट है दैट इज 5 feet 6 inches एंड फीमेल्स के लिए अगेन योर 5 feet 2 inches। एंड फॉर एससी एसटी कैटेगरीज द हाइट इज योर 5 feet 4 inches एंड फॉर फीमेल्स इट इज योर 5 feet। तो ये इज द क्राइटेरिया ऑफ योर हाइट्स। दो हाइट्स की क्राइटेरिया जो है वो आपसे इसमें चेक किए जाएंगे जब फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट आपके पास रहता है। और नेक्स्ट इज योर चेस्ट साइज एंड दैट इज ओनली फॉर द मेल्स। चेस्ट साइज ओनली फॉर योर मेल्स रहता है। और जनरल के लिए इट इज 31/32 फ्रॉम, और ओबीसी इट इज 31/32 एंड फॉर एससी एसटी इट इज योर 29/30। तो चेस्ट साइज जो है वो मेल्स के लिए ये आपके पास रहेगा, और ये आपके पास जो फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट है उसमें इन चीजों को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 3 चीजें और इंक्लूड होंगी। फर्स्ट इज योर 1500 मीटर्स रेस, ध्यान से इसको याद रखेंगे, 1500 मीटर्स रेस है जिसका समय जो है दैट इज 6 minutes and 30 seconds और इसका एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। यू विल ओनली हैव अ सिंगल अटेम्प्ट। आपके पास 6 minutes 30 seconds का टाइम है और सिंगल अटेम्प्ट रहेगा। हाई जंप और ब्रॉड जंप नेक्स्ट 2 कैटेगरीज अब आपके पास है। हाई जंप इज 1.25 meters, उसके आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं, और जो ब्रॉड जंप है उसकी हाइट इज योर, उसके लिए आपके पास 4 meters इज योर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और उसके भी आपको 3 अटेम्प्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो ये आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी को टेस्ट करने के ये 3 चीजें हैं, 1500 मीटर्स रेस, हाई जंप एंड योर
ब्रॉड जंप। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, में एक और चीज आपके पास रहेगी, दैट इज योर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये जो मैंने ऊपर की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, दैट इज फॉर द मेल कैंडिडेट्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज योर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर्स का आपका इवेंट है जो रेस की रहेगी, एंड 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। और अगेन अटेम्प्ट जो मिलेगा, दैट इज योर सिंगल अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज योर हाई जंप, दैट इज योर 1 मीटर, 3 अटेम्प्ट्स उसमें मिलेंगे। और नेक्स्ट इज योर ब्रॉड जंप, और इसमें आपके पास जो है, दैट इज 3 मीटर्स, अगेन इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, और नंबर ऑफ चांसेस इसमें आपके पास क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। ठीक है जी, तो दिस वाज अबाउट योर ऑल द क्राइटेरिया। फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में हमने आपको थोड़ा सा आज बताया और क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट कल आपके पास हम पेपर एनालिसिस के साथ एक नया वीडियो जो है, वो सिलेबस और पेपर एनालिसिस के साथ एक नया वीडियो लेके जो है कल आपके सामने आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।